So guys, don't forget to press the bell icon and don't forget to actually and miss the video from the Hilarious Sports Screen. So thank you. हमारे परिवार के इस दुखी घड़ी में आप सब यहाँ आए हमारी उपेक्षा प्रकट करता हूँ। शोक सभा सोमवार शाम 5 से 7 जलाराम बोल चुके हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा मेरा नुकसान है। मेरी इनकी एसोसिएशन तकरीबन 27 साल की है। पता नहीं, मैंने सैकड़ों एपिसोड किए इनके साथ। एक बहुत ही मशहूर शो आता था डीडी नेशनल पे, वक्त की रफ्तार को, 600 के करीब उसके मैंने एपिसोड्स किए। और उसके अलावा भी मुतवातिर उनके साथ अलग अलग शोज़ में काम करता रहा। उनका एक रिकॉर्ड है, उनका ये रिकॉर्ड है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें उनका नाम दर्ज है। उन्होंने 3000 से ज़्यादा एक अकेले इंसान ने एपिसोड डायरेक्ट किए हैं। और जहाँ तक उनकी डायरेक्शन का सवाल है, वो डायरेक्टर नहीं थे, वो जादूगर थे। वो अपने कैमरे से ऐसा मैजिक, ऐसा जादू क्रिएट करते थे कि कैमरा खुद एक कैरेक्टर लगता था। उनसे बड़ा क्राफ्ट्समैन कोई नहीं था। और मैं सिर्फ उनको जादूगर नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ उनको डायरेक्टर नहीं कहूँगा, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। टेक्निकली इतना ज़्यादा जानकार मैंने नहीं देखा जो एक कैमरे से एक शिफ्ट में एक एपिसोड बनाते थे और क्वालिटी के साथ बनाते थे। वो गिफ्टेड थे। पर्सनल लाइफ में बहुत ही खामोश रहने वाले इंसान थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत लविंग थे जो लोग उनके करीब थे। और अक्सर खामोश रहते थे तो लोग समझते थे कि वो मगरूर हैं, वो घमंडी हैं। ऐसा नहीं था, वो शाई थे। उनकी तबीयत में शाइनेस थी, जिसकी वजह से लोगों को, शर्मीले थे स्वभाव के, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता था कि वो मिक्स नहीं होते या घमंडी हैं। बहुत अच्छा इंसान था, कमाल का डायरेक्टर था, बहुत अच्छा दोस्त था। और इत्तेफाक की बात मैं आपको ये बताऊं कि कल उनके साथ मैं 5 घंटे था, 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। इतनी लंबी मीटिंग मेरी उनकी कभी चली नहीं है। सेट पे तो होती थी काम की वजह से, लेकिन पर्सनल लाइफ में 5 घंटे कभी मैं उनके साथ नहीं बैठा। लेकिन क्या पता था कि 24 घंटे पहले जिस शख्स के साथ मैं
बातें कर रहा हूँ, थॉट्स एक्सचेंज कर रहा हूँ, अभी उनका अंतिम संस्कार देख रहा हूँ। तो यही ज़िंदगी है, बस यही कहेंगे कि बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये ज़िंदगी जो है बस ऊपर वाले की अमानत है, वही लेता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 67 ईयर्स की इनकी उम्र रही है, बहुत अचीव किया इन्होंने, बहुत अचीव किया, बहुत बनाया, दो फिल्में भी बनाई, भूकंप और एक फिल्म भूकंप थी और एक वजह थी, फिल्में भी बनाई, लेकिन सेहत उनकी काफ़ी दिनों से उनका साथ नहीं दे रही थी। तो बस यही कहूँगा कि बस ये जो नुकसान है ये तो हमारा कभी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, बस उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं ऊपर वाले से। और वो भले आज शारीरिक तौर पर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा जब तक हम हैं इस दुनिया में तब तक उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। ऐसे मौके में क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि पूरी फैमिली को आई विश भगवान शक्ति दे। कि किसी की फैमिली में ऐसा होता है तो बहुत शॉकिंग होता है। आई एम श्योर अंकल बहुत ही स्वीट थे, मैं थोड़े रवि का फ्रेंड हूँ तो कई बार मिला हूँ। सो आई विश के बस उनको शक्ति दे भगवान। थैंक यू। देखिए अपने आप में तो ये शख्सियत बहुत बड़ी थी, तो बहुत बड़ा लॉस है, सबका लॉस है ये। बट इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल लॉस भी है, बिकॉज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र थे, और उनकी याद हमेशा हम लोग के दिलों में रहेगी। बिकॉज बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही नेक इंसान, मतलब बहुत कम ऐसे इंसान अभी भगवान बनाता है। ही वॉज़ वन ऑफ देम जो हर एक की हेल्प करते थे और कई वे में मेरे भी बहुत काम आए। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को धैर्य दे। Hi, this is Sana Khan and I want to congratulate Lehre for completing 30 successful years.